हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाला है अपनी जर्नी जो कि लाइफ की मेरी फर्स्ट राइड होने वाली है, जो एक दिन से ज्यादा चलेगी क्योंकि आज तक मैंने कोई भी लॉन्ग राइड नहीं की है बाइक पे। तो काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि क्या राइड करें, तो केदारनाथ का प्लान फिक्स था, पर केदारनाथ के साथ साथ कौन सा कवर करना था वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम क्या तो पंचकेदार कर ले या फिर चारधाम कर ले। तो पंचकेदार का प्लानिंग था सबका पहले, पर हमने सोचा कि यार पंचकेदार थोड़ा डिफिकल्ट है, हाई में चढ़ना है, हाइट भी थोड़ी ज्यादा है तो दिक्कत आ जाती है, हमने पहले कभी राइड की नहीं इतनी लंबी, तो हमने सोचा कि चलो चारधाम ही कर लेते हैं। तो मेन प्रॉब्लम थी कि हमने सोचा था पहले मई में, तो अभी ये जुलाई चल रहा है तो मई में पब्लिक बहुत ज्यादा थी, एक दो फ्रेंड जाके आए ना तो कॉस्टिंग बहुत हाई आ चुकी थी जो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। तो इस वक्त हमने डिसीजन लिया है कि चार बंदे, क्योंकि मैं, मेरा ब्रदर ध्रुव, अकी भाई जो अपनी एनएस लेके आएगी और अविनाश भाई जो जिक्सा लेके, तो ये चार लोग फाइनल है और हमारा जर्नी पूरा कंफर्म हो चुका है कि राइड का प्लान है हमारा मेन चारधाम हरिद्वार मेला के, तो हरिद्वार अपने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो अपना इतना है प्लान। और हम सबसे पहले यार 15 दिन की राइड है तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस राइड के लिए। तो लॉन्ग राइड है तो इसके लिए सबसे पहले बाइक को मेरे को फुल्ली लोडेड करना पड़ेगा, अपनी नेकेड बाइक है तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीछे का जो सैडल बैग मैंने मंगवाया वो अभी तक आया नहीं है, और आई होप पर वो टाइम से पहले आ जाएगा। पर मेन प्रॉब्लम वो है कि सैडल स्ले, जो सैडल बैग का जो स्टैंड होता है ना वो अवेलेबल ही नहीं है, और जो भी है वो बहुत महंगे है, डिलीवरी टाइम मैंने काफ़ी डीलर से कॉन्टेक्ट किया वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोकल से ही बनवा लूंगा, जो अभी तक मैंने डिसीजन लिया नहीं है कि बनवाऊंगा या फिर, पर देखते हैं 3-4 दिन ही बचे हैं क्योंकि हमें 1 अगस्त को निकलना है राइड के लिए। बाकी की अपनी है शॉपिंग, तो शॉपिंग में भाई हम थोड़े आलसी है, कपड़े धोने वाले हैं नहीं, तो हमें 15 दिन के कपड़े लेने हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मेडिसिन और वगैरह का प्लानिंग करना है, मेन ये है चीज़। और बाइक के लिए, तो बाइक के लिए मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लच प्लेट तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग गया है, तो क्लच प्लेट लेनी पड़ेगी, इंजन का पूरा मतलब सर्विस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेरे को ब्रेक पैड लेने पड़ेंगे, पीछे के ब्रेक पैड में मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रंट के तो मैंने सिरामिक लगवा दिए है और पीछे के अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, कंपनी में भी जाके पूछा तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है। एक क्लच वायर एक्स्ट्रा लेने वाले हूँ, और मैंने कई बार नोटिस किया है कि यहाँ पे जो मडगार्ड का आता है ना ये वाइब्रेशन की वजह से काफी बार खुल जाता है, तो ये वाला मेरे को नट भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा थोड़े, क्योंकि लॉन्ग राइड है, भरोसा नहीं कर सकते राइड में क्या कुछ हो सकता है, और पूरा टूल किट में एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो ऐसा मिला के समझो तो हमने 15 दिन की राइड है तो अप्रोक्सीमेट खर्चा मैंने अभी निकाला है मेरे अपने हिसाब से, तो मेरा और मेरा बाइक का मुझे 40 से 50 हज़ार तक अप्रोक्सीमेट आएगा, बाकी का मेरे को पता नहीं है कि राइड में दिक्कत आ सकती है। और कुछ बताऊँ तो राइड से पहले ही मेरा बहुत खर्चा होने वाला है बाइक पे ही, तो वो तो कितना होता है मालूम नहीं, वो आपको अगले में वीडियो में इसमें बताता रहूँगा। तो कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी बाइक की प्रिपरेशन, सारा सामान ले आऊँगा और साहिल पाके वहाँ पे मैं अपनी सर्विसिंग और वगैरह स्टार्ट करने वाला हूँ। The next day, फ्रेंड्स, मुझे जो लग रहा था वही हुआ कि सैडल स्ले ऑनलाइन नहीं मिला सैडल स्टैंड अपना, तो मैंने ये लोकल से बनवा लिया है, और मैं शौक हूँ कि ये लोकल में काफ़ी सस्ते में रेडी हो गया है यार। अगर आप इतना मतलब लुक का आपको इतना फिगर नहीं है तो आप लोकल से भी रेडी करवा सकते हो, ये ऑनलाइन मेरे को 2200 में रेडी हो चुका है मेरा, और ये देखिए अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और अपना वजन आराम से ये झेल सकता है, तो ये इस तरह के ऐसे यहाँ पे लग जाएगा, जो अपने पीछे के आर्म जो होल्डर है एक इधर लग जाएगा, दो इधर लग जाएगा, तो पूरा वेट भी सहन कर पाएगा और प्रॉपर इसका फिटिंग भी रहेगा, वाइब्रेशन भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा, पीछे अपने बैग्स आ जाएंगे, इधर सैडल बैग्स आ जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और राइड के लिए अपनी बाइक रेडी है, सैडल का सामान का अपना पूरा खत्म हो गया, मैं टैंक बैग लगाने वाला हूँ नहीं क्योंकि अपनी नेकेड बाइक है तो टैंक बहुत ऊपर है, तो बैग थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और मैं मेरे पिलन के साथ हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी राइड अनकंफर्टेबल रहे। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें थोड़ा जंग लगा हुआ है क्योंकि इसमें मैंने कलर नहीं किया हुआ है, कि इसका रीज़न ये है कि आज 29 तारीख हो चुकी है और 1 तारीख हमें निकलना है, इस पर पहले रेड ऑक्साइड का लेयर लगाना पड़ेगा, फिर ब्लैक कलर का लेयर लगाना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी, तो इसमें 3-4 दिन लग जाएगा, और मैंने और लगता है कि मानसून का सीज़न है तो सूख भी नहीं पाएगा प्रॉपर, तो उससे पहले रेडी नहीं हुआ तो पूरा सामान ख़राब करेगा ये, तो चलेगा वैसे अपने को अपने प्रॉपर फिटिंग से मतलब है, तो ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगा पर चलाना पड़ेगा और कर भी कह सकते हैं,
तो बाकी का एसेसरी का भी मेरे को तैयारी करना बाकी है, तो वहाँ चलते हैं और बाकी का काम खत्म करते हैं। सैडल स्टैंड लगा के हम पहुंच चुके हैं गैराज पे। ये देख सकते हैं आप कैसा सैडल स्टैंड का लुक आ रहा है, और सर्विसिंग का सारा सामान हमने ले लिया है और एसेसरी भी ले ली है, तो कल से इसका हम फिटिंग स्टार्ट करने वाला है। सबसे पहले बारी है अपनी क्लच प्लेट की, तो क्लच प्लेट के लिए स्टार्ट साइड का इंजन कवर खोल के हमें सबसे पहले क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को निकाल लेना है, और उसके बाद चेक करके क्लच प्लेट चेंज करेगा और वापस उसको डाल देंगे। क्लच प्लेट अपनी जल चुकी थी, तो इस वक्त साहिल भाई अपने जो ऑर्डर वाइज क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को इंस्टॉल करना है होता है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करने वाले हैं। साहिल भाई क्लच प्लेट का काम कर रहे हैं, तब तक हमने सोचा कि क्यों ना हम एयर फिल्टर का काम निपटा दें। तो एयर फिल्टर खोल के हमें एयर फिल्टर चेंज करना है। ऑयल फिल्टर का काम ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिया है, तो ये देखिए पुराने एयर फिल्टर की हालत क्या हो चुकी है। ऑयल और डस्ट मिलकर पूरा ब्लॉकेज लगा रखा है, इसकी वजह से माइलेज में भी इफेक्ट आ रहा है, तो लॉन्ग रूट के लिए इसको चेंज करना ही सही रहता है। सारे पार्ट्स डल चुके हैं, फिल्टर अपने लग चुके हैं और क्लच प्लेट भी डल चुकी है, सर्विसिंग का काम ओके हो गया है, तो अब बारी है एसेसरीज लगाने की। एसेसरी में सबसे पहला है अपना फॉग लाइट, जो नाइट राइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब माउंटेन में राइड करेंगे तो पूरा रास्ता क्लियर दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन बीम जो है अपना पीछे वेट आने की वजह से अप चला जाता है, तो रास्ते में फोकस रहे इसकी वजह से फॉग लाइट हम सस्पेंशन में लगाएंगे। अपनी अगली एसेसरी है बाइक चार्जर एंड मोबाइल होल्डर, क्योंकि जब हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल अपने स्टेरिंग पे रह गया, क्योंकि उसी से अपने बेटर व्यू मिलेगा, बार बार तो जेब से हम निकाल नहीं सकते, तो उसी के लिए हम चार्जर ये है जिससे हम मोबाइल चार्ज कर सके, क्योंकि बहुत ही बैटरी कंज्यूम करता है। 3 hours later एसेसरी फिटिंग का काम खत्म करके आ चुके हम घर पे। कल हमें राइड पे निकलना है, तो आज पैकिंग करना है और अपना न्यू सैडल बैग आ चुका है, तो उसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सैडल बैग हमने खरीदा है राइनोस का, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है, जो हमने देखा था अक्की भाई और अविनाश भाई के पास भी सेम ही राइनोस का सैडल बैग है, और इसके साथ हमें मिल जाता है एक रेन कवर जो बारिश में बहुत अच्छा काम आता है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पैकिंग, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।